जैसे शहद से लिपटी हुई छुरी क्षणिक सुख देती है, उसी प्रकार सभी पौद्गलिक सुख अल्पकालीन सुख देने के पश्चात दुख रूप में परिणत हो जाते हैं। साता और असाता वेदनीय कर्मबंध के कई कारण हैं, जैसे जीवों के प्रति करुणा रखना या उन्हें पीड़ित करना, क्षमा भाव रखना या क्रोध निंदा करना, सहयोगी बनना या किसी की दुखद स्थिति कर देना। साता और असाता वेदनीय कर्म का उदय जब होता है, तब अनुकूल या प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति होती है, शारीरिक और मानसिक सुख या दुख की अनुभूति होती है, अनुकूल या प्रतिकूल मन वचन काया की प्राप्ति होती है। साता और असाता वेदनीय कर्म का क्षय करने के लिए किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, श्रेष्ठ भाव से साधना और दान करना चाहिए, किसी भी संयोग में संभाव रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाले सभी वीडियो की जानकारी भी पा सकते हैं।